अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसीब हेल्पर पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल अगर मैं चुप हूँ कि आने वाले एक साथ में आप लोग देखने वाले हो के नाज़रीन, यहाँ पर शफा की अम्मी कह रही होती है उससे कि मुझे सैरिश बता रही थी कि तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी में लड़का पसंद है तो बताओ वो कौन है। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर शफा नीचे कर लेती है सर, वो बिल्कुल भी नहीं बताती। जिसके बाद नाजरीन मजीद गुस्से से उसकी अम्मी उससे पूछती है। और नाजरीन दूसरी जानब आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर ज़िशान रोककर खड़ा होता है ईमान को। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर ईमान उसे कहती है कि तुम्हें अब आ चुका है वो वक्त जब तुम्हें ये खुशफहमी का तुम्हें हटानी पड़ेगी। तुम्हें अभी भी ये जो अंगूठी देख कर भी याद नहीं आ रहा कि मैं उस की हो चुकी हूं। जिसके बाद नाजरीन जिशान कहता है कि मैं यूं कहूं कि तुम इस मजबूरी में बंध चुकी हो, इसी वजह से नहीं आ रही। जिसके बाद नाजरीन यहां पर ईमान कहती है कि मुझे तुम्हारे सामने मजीद सफाइयां देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद नाजरीन जिशान हंसना शुरू कर देता है। और नाजरीन दूसरी जानब आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन यहां पर जो शफा का अबू है नाजरीन, वो यहां पर उसे कहता है कि जो बच्चियां होती हैं वो एक मुख्तसर अरसे के लिए घर होती हैं, वो तो होती हैं पराई, जितना ज्यादा उनसे प्यार करें वो कम होता है। जिसके बाद नाजरीन यहां पर वो कहता है कि उनका भड़का हुआ कोई भी कदम यहां पर बहुत ही ज्यादा हार का सबब बनता है, तो मैं अभी हारा महसूस कर रहा हूं। तो नाजरीन अभी शिफा क्या करेगी, कीमती रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। वीडियो चैनल को लाइक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।